लिए बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की 56 कंपनीज के अफसरान की भारी तनख्वाहों और मराहत का नोटिस दे लिया। चीफ सेक्रेटरी से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आवाम के टैक्सेस का पैसा इस तरह जाया नहीं होने देंगे। आपने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है, अगर काम नहीं होता तो हुकूमत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की 56 कंपनीज के अफसरान की भारी तनख्वाहों और मराहत का नोटिस ले लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन फैसल खान से। फैसल खान, आगा कीजिएगा। बिल्कुल, आज जब केस की सुनवाई हुई तो अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 56 कंपनियां तश्कील दी हैं। आप बताएं कि आपने सब कुछ अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने हैं तो आप जो है क्या कर रहे हैं? अगर आपसे काम नहीं होता तो हुकूमत छोड़ दें। ये आवाम के टैक्स का पैसा है, इतनी भारी तनख्वाहें आप दे रहे हैं, इतनी तनख्वाहें तो हमारी नहीं है। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब आप तमाम कंपनियों में अफसरान को दी जाने वाली तनख्वाह और उनको जो फैसिलिटी दी जा रही है, मराहत दी जा रही है, उनकी तफसीलात जो है वो आके यहाँ जमा कराएं।